हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रीजा चैटर्जी। तो आज मुझे व्लॉग स्टार्ट करने में बहुत ही लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, बहुत देर हो गई है, अभी 2 बज रही है। तो ये दिवाली के दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं क्या करूँगी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं अभी थोड़ा नहाने के बाद का जो स्किन केयर है मैं वो करूँगी, उसके बाद मुझे घर भी सजाना है, थोड़ा सा मैंने किया है और बाहर भी कल तक मैंने किया है। कल भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब था तो बाहर का जो डेकोरेशन वो मम्मी ने किया, तो देखती हूँ क्या पहनूँगी वो भी अभी तक नहीं सोचा, इतनी तबीयत ख़राब है क्या बताओ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी करके मेरी जो नहाने की बात की जो स्किन केयर रूटीन है वो कर लूँगी, उसके बाद मैं खाने के लिए जाऊँगी। तो गाइस, मैं अभी पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, ये है मेरी साड़ी, ये है मेरी टोटल अटायर। तो गाइस, अभी मैं बाहर दिया जलाऊँगी, तो चलिए देखते हैं। गाइज, अभी मैं जा रही हूँ अर्पण के घर, तो चलिए उसके बाद मैं जाऊँगी श्रीजान के घर। এখন বাজাচ্ছে, গান করছে, মন তো বলতে পারছি। गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं काली पूजा देखने में, ये है नेक्स्ट दिन। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक पूजा की मंदिर में, तो हम देखने जा रही है। तो गाइस, अभी हम लोग एक बार दिखाना चाहता हूँ। हाय गाइस, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत पास ही जाना है, ऐसे लॉन्ग ड्राइव नहीं है ये, पर चलो ये व्लॉग तो होना दे। अभी रात की 11 बज रही है और हम लोग जा रहे हैं एक पैंडल पर। हाय गाइस, बहुत दिनों के बाद हम लोग आ गए हैं फिर से एक नया ब्लॉग करने के लिए, दिवाली ब्लॉग। तो मैडम आप बताइए, और मास्क खोल के बात कीजिए आप प्लीज। तो अभी हम लोग वो पैनल के सामने आ गए हैं, तो अभी हम लोग पैनल में जाएंगे, तो पैनल को बाहर से थोड़ा दिखा देंगे। ये शेडो को कैसे हटाया जाए भैया, थोड़ा सोचते हैं। ये शेडो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब ठीक है, अब बताओ। हाँ, अभी हम लोग पैनल को थोड़ा दिखाएंगे, फिर पैनल में एंटर करके तो हम भगवान को दिखाएंगे। हिचकाओ मत, बोलो। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मैंने वीडियो पे एंड नहीं कर पाई, तो और ये प्रतिमा भी दर्शन नहीं कर पाई, तो इसलिए हम लोग आए थे आज। तो ये प्रतिमा की जो स्पेशलिटी है वो है, खास बात। तो ये प्रतिमा की जो स्पेशलिटी है वो है
उसकी जो आँख है उसके आँखों में असुर का असुर व्रत करने का कुछ छवि आती है। वो आँख ही ये इस प्रतिमा की स्पेशलिटी है और इस सालों से बहुत ही स्पेशल है। मतलब हम लोग जब पैदा भी नहीं है हुए हैं तब से ये बहुत स्पेशल है। मतलब ये प्रतिमा हर साल एक जैसा ही होता है और ये बहुत ही स्पेशल है। और इस प्रतिमा की नाम है बोमबेटे काली। तो हम हर साल यहाँ पर आते हैं प्रतिमा दर्शन के लिए, तो इस साल लेट हो गई हम लोग मेरी तबीयत खराब के वजह से, तो आज हम लोग ये दर्शन कर लिए। तो चलो बाय गाइज, अभी हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। बाय।